हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैंने उन सबको बख्श दिया। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार, एक शख्स उसमें ऐसा भी था जो बाजार जा रहा था, मजलिस में नहीं आया, हो मजलिस सुनने की गरज से नहीं आया, वो बाजार जाने के लिए निकला। रास्ते में देखा लोग बैठे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, दोजख और जन्नत का जिक्र हो रहा है, वो रुक गया, कुछ देर तेरा जिक्र सुना और फिर उसको काम याद आया, आगे बढ़ गया। खालिक कायनात, उस बंदे के बारे में तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, सुनो, जिनको मैं बख्श चुका उसके सदके में मैंने उसको भी बख्श दिया। यह हदीस से क्या पता चला? क्या खुदा को नहीं मालूम? तो रसूल के फरमाते हैं कि इसमें हिकमत होती है, जाओ मेरी ऊंटनी फलावादी में तलाश करो। सहाबा इकराम इन मुनाफिकों को लेकर जाते हैं और चलो आओ देखो, आज खुल जाएगा कि हमारे नबी सच कहते हैं और आज खुल जाएगा कि तुम कितने बड़े मक्कार और झूठे हो। जब सहाबा वहां ले गए तो देखा तो जैसा हुजूर ने फरमाया था वैसा ही मामला था, वही वादी थी, वही झाड़ियां थी और उन्हीं झाड़ियों के दरमियान में ऊंटनी झाड़ियों को खा रही थी। सहाबा ने ऊंटनी को लिया, घर लेकर आए हुजूर के पास, तो रसूल ने फरमाया बताओ तुम अब क्या कहते हो? मेरे इल्म में पर इतराज करते थे ना, अब क्या कहते हो? तो उन्होंने क्या कहा? अरे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतना लोड ले लिया, इतना आपने इसको अपने दिल पे ले लिया, हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे हैं। ये आज के मुनाफिक की भी आदत है, झूठ बोल लेंगे और जैसी पकड़ में आ गए, अरे खान साहब आप तो यार नाराज हो गए, ये तो इसी मजाक में बोल दिया था मैंने, ये बोली किसकी है? आप समझते चलिए। कहा हम तो मजाक कर रहे थे, ऐ अल्लाह के नबी, हमने कोई दिल से नहीं कहा कि आप गैब नहीं जानते। अगर हमने कहा वमा युद्री मोहम्मद गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, हमने हंसी मजाक में कहा। रब तबारक व ताला की रहमत को जोश आया, रब गजबनाक हुआ, कहा मेरे हबीब के साथ मजाक करते हो। सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 65 और 66 नाजिल हुई। सूरह तौबा पारा 10 आयत नंबर 65 और 66 नाज़िल हुई। रब इरशाद फरमाता है वला इन सअलतहुम ला यकूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब। ऐ मेरे हबीब, जब आप इनसे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो यही कहेंगे कि हम तो यही हंसी मजाक कर रहे थे। अब कहेंगे कि हम तो हंसी मजाक में थे, हंसी मजाक कर रहे थे। قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ। तो आए मेरे हबीब, फरमा दो इन लोगों से, क्या अल्लाह से मजाक करते हो? अल्लाह की आयतों से मजाक करते हो? अल्लाह के रसूल से मजाक करते हो? لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ। तुम काफिर हो गए, अब बहानेबाजी मत करो, ये हंसी मजाक की बात कह के बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। कौन कह रहा है ये? किसका कलाम है भाई? और हवाले सुन लो, वहां भी अगर बैठे हो यहां लिख रहे हो और अगर मेरी तकरीर बड़ी तवज्जो से सुन रहे हो तो हवाले लिखो कि जो मैंने तफसीर बयान की, जो पूरा वाक्य बयान किया, इस आयत का शान नज़ूल बयान किया, इसको किसने लिखा? किसी बरेली के मौलाना ने नहीं लिखा कि आप ये कह के ठुकरा दो बरेलियों की तफसीर है। जनाब इसको लिखने वाले कौन है? आइए जरा हवाले सुनते चले। इसको इमाम अभी इब्ने अभी हातिम ने लिखा, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है। उन्होंने अपनी तफसीर, कुरान की तफसीर, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 1830 पर लिखा। इसी तफसीर को, इसी आयत के शान नज़ूल के बारे में इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर तबरी जिल 14 सफा नंबर 335 हदीस नंबर 16917 पर लिखा। इसी तफसीर को इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर कुरान दुर्र मंसूर के अंदर जिल नंबर 7 सफा नंबर 426 पर लिखा गया। और भी मुफस्सिर ने लिखा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम पहले ईमान वाले थे मगर तुम काफिर हो गए, बहाने मत बनाओ। तो काफिर क्यों हुए? ईमान के बाद कैसे काफिर हुए? काफिर ऐसे हुए कि तुमने मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार किया। समझ में आ रही है कि नहीं? अब आला हजरत ने देखा, एक मौलवी साहब ने किताबचा लिखा,
और नबी के इल्मे गैब का इनकार किया, कहा कि अगर नबी को इल्मे गैब होता तो इसमें नबी की क्या खासियत, ऐसा इल्मे गैब तो जानवरों को भी है, ऐसा इल्मे गैब तो पागलों को भी है, ऐसा इल्मे गैब तो मजनून को भी है, ऐसा इल्मे गैब तो तमाम जमी हैवानात को बाहिम को हासिल है, यानी हर चार पैर के चलने वाले जानवर कीड़े मकोड़ो हर हैवानात सबको ऐसा इल्मे जैसा नबी को इल्मे। तो वो वहां वहां दौर का वो जो है मुनाफिक कह रहा था मोहम्मद गैब नहीं जानते, और आज के दौर का मुनाफिक हुजूर के जब गैब का इनकार करता है तो गैब का इनकार ही नहीं करता, अपने बाप दादाओं से एक हाथ आगे बढ़ गया है। और कितना आगे बढ़ा, कहा मोहम्मद तो अव्वल गैब जानते ही नहीं, और अगर गैब जितना है भी तो उसमें हुजूर का क्या कमाल है, ऐसा गैब जैसा मोहम्मद को इल्म गैब, ऐसा इल्म गैब तो जानवर पागलों को भी है, चार पाए के चलने वाले जानवरों को भी है, कीड़े मकोड़ों को भी है, हत्ता के जलील से जलील मखलूक कुत्ते और सुअर को भी ऐसा इल्म है। कौन सी किताब है मैं जिसका नाम ले रहा हूं, यह है हिफ्ज़ुल ईमान, यह है हिफ्ज़ुल ईमान, वजन दस ग्राम भी नहीं, मगर कुफ्र की बात इतनी बड़ी इसमें कि इस कुफ्र को पहाड़ भी उठाने से काफी है। अब ये किताब मंजर आम पर आई, लिखने वाले थे हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी, आला हजरत की निगाहों ने इन किताबों को देखा, कहा ये तो मेरे नबी के इल्म गैब की तौहीन, कुरान तो कह रहा है कि जो नबी के गैब का इनकार करे तो बहाने मत मत बनाओ, कद कफर तुम बादा ईमानकुम, अगर तुम ईमान वाले थे भी तो नबी के गैब का इनकार करके तुम काफिर हो गए। ताला ने कहा अब मैं काफिर नहीं कहता थानवी साहब को, ये तो परवरदिगार आलम काफिर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि मन शक्का फी कुफ्र ही वजाब ही फकत कफार, ये तो खाली के कायनात कह रहा है कि बहाने मत बनाओ, अब जो तुम्हारे कुफ्र में शक करे ना वो भी काफी हो, मगर इतनी कुरान की वजाहत के बाद, इतनी तफासीरों के बाद आज भी वहाबी की बोली वही है कि इल्म गैब का इनकार करता है। क्यों करता है इल्म गैब का इनकार, इसलिए कि इन वहाबियों का धोखा यह है कि अवाम जो कहते हैं भाई किसी मौलाना के पीछे मत चलिए, कुरान हदीस को पढ़िए, बड़े हलक से निकालता है कुरान हदीस को पढ़िए, किसी मौलाना के पीछे मत चलिए, मुल्ला जी झूठ बोलना बंद करो, सबसे बड़े अपने मौलवी के मुकल्लिद तो आप हैं, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ चंद चीजें रखता हूँ, हिम्मत हो तो जरा इसका जवाब अपने किसी बेगैरत मौलवी से ला के दे दो तो मैं भी मान जाऊं कि तुम्हारे यहाँ भी कुछ गैरत बाकी है। आइए जरा देख लीजिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये किताब लिखी गई है तकवतुल ईमान, स्क्रीन पर मौजूद और हाथ में भी मौजूद है, यानी यहाँ डाउट हो तो यहाँ देख लो, अब यहाँ से नहीं दिख रही तो स्क्रीन पे देख लो, यानी दोनों इंतजाम रखता हूँ मैं आजकल, इस यहां से ना दिखे स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे शुबा हो तो आकर खोल कर देख लो, ताकि कल ये ना कहो कि भैया नहीं बरेली झूठ बोलता है, खुदा की कसम बरेली से ज्यादा दुनिया में कोई सच्चा है ही, साबित तो मैं भी करूंगा कि झूठ कौन बोलता है। आइए किताब तकवतुल ईमान आज भी छप रही है, जाहिर सी बात है ये कोई आला हज़रत के जमाने का नुस्खा तो नहीं है, इसके हाल और हुलिया देख के लग रहा है कि आपको 150 साल 200 साल पुराना नुस्खा उठा के लाया हूं मैंने, उसकी प्रिंटिंग बता रही है ना कि ऑफसेट पर अभी लेकर छपा हुआ, और कितना छपा है मैं आगे और बताऊंगा, कितने नुस्खे अभी लाया हूँ मैं, अभी बहुत सारे नुस्खे लाया, मेरे पास 18 तकवतुल ईमान है टोटल, अभी तो एक ही देख रहे हैं अभी और देखेंगे। आइए लिखने वाले कौन है, मौलवी इस्माइल दहलवी, इनको ये शहीद कहते हैं और फिर शहीद ही नहीं कहते, इनको देवबंदी भी अपना पेशवा मानते हैं और गैर मुकल्लदीन नाम निहाद अहले हदीस भी पेशवा मानते हैं, बल्कि इन दिनों में बड़ी जंग चल रही है दोनों में, अहले हदीस बोलते हैं मौलवी इस्माइल दहलवी हमारे थे और देवबंदी बोलते तुम्हारे नहीं थे वो हमारे थे, तो हम बरेलियों ने फैसला किया भाई देखो हमारे तो हरगिज नहीं थे, आप ही आधा काट काट के बांट लीजिए, लड़ते क्यों हो भाई,
हमारे तो हर गिर थे ही नहीं, ऐसा गुस्ताख मौलवी हमारा हो ही नहीं सकता। अब क्या लिखा है तकवतुल ईमान में, आइए सफा नंबर 48 दिखाइए भाई, स्क्रीन पे दिखाइए सफा नंबर इसका 48 है। देखिए ये फुल स्कैन पेज में दिखा रहा हूँ, जो पेज है इस किताब का सफा 48 और वो इबारत अब बड़ी होके आपके सामने आएंगे, जिसको आप खुद अपनी आंखों से देखकर पढ़ सकते हैं। मौलवी ने सफा 48 पर लिखते हैं कि यानी जो कुछ अल्लाह अपने बंदों से मामला करेगा, खा दुनिया में खा कब्र में खा आखरत में, इसकी हकीकत किसी को नहीं मालूम। अल्लाह अपने बंदों के साथ कब्र में क्या करेगा इसकी हकीकत कोई नहीं जानता, कब्र में क्या करेगा नहीं जानता, दुनिया में क्या करेगा नहीं जानता, आखिरत में क्या करेगा बंदों के साथ अल्लाह मामला कोई नहीं जानता। और नहीं जानने वालों में कितनों के नाम लिखे, अगर वो लिखते कि कोई बंदा अपनी कब्र के बारे में नहीं जानता, हम कहते बिल्कुल सही है, ठीक है भाई हम नहीं जानते हमारे साथ कब्र में क्या होगा आखिरत में क्या होगा, लेकिन ये हमारा जिक्र नहीं कर रहे, आम लोगों का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि क्या कहते हैं इसकी हकीकत किसी को नहीं मालूम, ना नबी को ना वली को ना अपना हाल ना दूसरे का। यानी नबी इतना बेइल्म, इतना ना वाकिफ, इतना अनपढ़ और जाहिल, ये इनका नबी है, हमारा नबी तो वो है जो सब कुछ जानता है, ये इनका नबी। इन्होंने नबी की पोजीशन क्या बताई कि कब्र का हाल नबी नहीं जानता, आखरत का हाल नबी को नहीं मालूम, दुनिया में क्या हो रहा है क्या होगा नबी को नहीं मालूम। अरे दूसरों का तो छोड़िए, नबी को अपने बारे में खुद नहीं मालूम, नबी खुद नहीं जानता कि कब्र में उनके साथ क्या होगा आखिरत में उनके साथ क्या होगा। अच्छा ये इसका बस मुख्तसर जवाब दे दूं, और जवाब मैं ही नहीं आप ही देंगे इंशाल्लाह। मुझे बताइए मरने के बाद आप क्या करते हैं, मुर्दे को बोलो भाई क्या करते हैं आप, हाँ अरे जला देते हैं, क्या करते हैं लटका देते हैं, बोलिए बोलिए बोलेंगे नहीं तो तकरीर आगे नहीं बढ़ेंगे, दफना देते। दफन करने के बाद क्या होता है कब्र में मुर्दे के साथ, सवाल जवाब होते हैं ना, कितने सवाल होते हैं 10, 3 होते हैं ना मालूम है आपको। पहला सवाल बोलिए मन रबों का तेरा रब कौन, दूसरा सवाल मां दीनों का तेरा दीन क्या, तीसरा सवाल मां कुंत तकूल हक फी हाजर रजुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, फरिश्ते कहते हैं हाजर रजुल, इसमें इशारा है करीब के लिए, हाजर रजुल क्या कहता था इनके बारे में, दुनिया में क्या बोलता था आज बता, आका बोलता था कि अपनी तरह बशर बोलता था, आज तू बता तेरी कॉल खुली हुई है, क्या कहता था मा कुनता तकुल क्या कहता था बोल। तीन सवाल होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मोमिन होता है तो मोमिन बेसाख्ता जवाब देता है मन रब्बों का कौन है तेरा रब, कहता है रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, दीन इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुनता तकुल हक फी हाजर रजुल क्या कहता था वो रसूलुल्लाह के बारे में, वो फौरन खड़ा होकर कहता है ऐ फरिश्तों क्या पूछते हो, हुवा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और खुदा की कसम मेरा इश्क कहता है बरेली तो ये कहेगा अरे जब देखता नहीं था तो यही तो कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे रहा हूँ, पूछ रहे क्या कहता था, इनका जिक्र आता था तो यही तो कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे ला। राका कहते हैं जब काफिर मुनाफिक बददीन बद मजहब कब्र में जाता है, फरिश्ते पूछते तेरा रब कौन, वो कहता है हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। माँ दीनों का तेरा दीन क्या, हा 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 लादरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता, क्या कहता था इनके बारे में रसूलुल्लाह के बारे में, हा 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 लादरी मैंने भी नहीं पहचानता मैं नहीं जानता। आका फरमाते जब मोमिन जवाब दे देता है जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत की हवाएं कब्र में आती है, फरिश्ते कहते सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, और जब काफिर जवाब नहीं देता मुनाफिक और बददीन जवाब नहीं देता, फरिश्ता कोड़ा लगाता है जहन्नम की खिड़की खोलती है, आग की तपिश जहन्नम की तपिश कब्र में आती है, अजाब मुसल्लत हो जाता है। मुझे बताइए ये कब्र के हालात किसने बताए, कौन बता रहा है, बोलो बोलो कौन बता रहा है, आपने दूरबीन लगा के देखा, हमारे माँ बाप ने देखा, हमारे दादा ने देखा,
किसने बताया कि कब्र में सवाल होते हैं? जवाब दे दो तो कामयाब है, जवाब ना दो तो नाकाम हो। कौन बता रहा है ये? बाबड़ा बोलता है नबी को कब्र का हाल नहीं मालूम। आखिरत में क्या होगा नबी को नहीं मालूम। आओ आखिरत की तो कितनी तफसीलात है, आका ने कहा लोगों मुझे आखिरत में तुम कहां तलाश करोगे? अल्लाह के नबी आप बताएं हम आपको कहां ढूंढे? कहा मैं हौज़े कौसर पे कौसर के जाम पिला रहा हूँ, अगर वहां आपसे मुलाकात ना पुलसिरात पर आ जाना, मैं वहां पुलसिरात पर अपने गुनाहगार उम्मतियों को गुजार रहा हूँ। हुजूर वहां मुलाकात ना हो तो मीजान अमल पर आ जाना, वहां पर आ जाना। और आका कहते हैं लोगो तुम तो वो हो कि जो मुझे वहां तलाश करोगे, खुदा की कसम दुनिया में जो मुझ पर बहुत सारा दरूद पड़ता था उसे मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसको तो की शफाअत के लिए मैं खुद उसे ढूंढूंगा। और ये कहकर ढूंढूंगा, आका कहते हैं कि मैं कहूंगा दुनिया में इसने मुझे इतना याद किया, मुझे हया आती है कि आखिरत में मैं इसको भूल जाऊं। ये आखिरत के हालात कौन बता रहा है? नबी बता रहे हैं ना। आका कहते हैं लिवाउल हम मेरे हाथ में दिया जाएगा। लिवाउल हम क्या? ये एक बहुत बड़ा झंडा होगा, इतना बड़ा झंडा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर वो दुनिया में झंडा उतार दिया जाए तो उसका पहला सिरा तहतुस्सलाम में, आखिरी सिरा उसका आसमानों में पहुंचा। इतना बड़ा झंडा होगा, उसका फरेरा, उसका जो कपड़ा, उसका जो पर्दा होगा वो इतना बड़ा होगा कि अव्वलीन और आखिरीन आदम से लेकर आखिर तक तमाम उम्मतें, तमाम लोग उस झंडे के नीचे आ जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मेरे पासों में वो कुवत देगा। आलम कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे पासों की कुवत पे लाखों सलाम। वो उतना बड़ा उतना वजनी झंडा मैं उठाऊंगा, इस पर मुझे कोई फक्र नहीं। अव्वलीन और आखिरीन का मैं उतनी सरदार होगा, इस पर मुझे कोई फक्र नहीं। लिवाउल हम लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और अपने उम्मतियों की मैं शफाअत करूंगा। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खुलवाऊंगा। आका कहते जब हश्र का दिन कायम होगा, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, सूरज सवार ऐसे पर आ जाएगा, लोगों के अमाल के मुताबिक पसीना होगा, किसी के घुटनों तक पसीना है, किसी के कमर तक पसीना है, किसी के गर्दन तक पसीना है, किसी के नाक तक है, कोई पूरा पसीने में डूबा हुआ है। हुजूर फरमाते तमाम उम्मते, तमाम लोग आदम के पास जाएंगे, अरे आदम आप हमारे बाप है, शफाअत कीजिए हमारी, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दीजिए। हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी धबो मिला गई, आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है, जाओ किसी और के पास जाओ। और मसीह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी, अपनी फिक्र लगी हुई है, अपनी पड़ी हुई है, जब ईसा के पास जाएंगे जनाब ईसा अलैहि सलाम ये नहीं कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ईसा अलैहि सलाम ये नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वो कहेंगे ऐ लोगो एक ही साथ है जो तुम्हारी शफाअत करवा सकती है, एक ही साथ है जो आज उनकी सुनी जाएंगी, एक ही साथ है जिनकी आज कबूल की जाएंगी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जाओ मोहम्मद की बारगाह में। जब हुजूर की बारगाह में आएंगे आका कहते हैं तमाम नबियों ने तो ये कहकर लौटाया था इज़हबू इला गैरी, और जब उम्मत मेरे पास आएंगी मैं कहूंगा आना लहा आना लहा आना लहा, मैं इस काम के लिए हूं, मैं इस काम के लिए हूं। कौन बता रहा है? और वाबी जी का अकीदा क्या है? न कबर का हाल मालूम, न आखिरत का हाल मालूम, न दुनिया का हाल मालूम, हाथ तो यह है दूसरों का छोड़ो अपने बारे में भी नबी को नहीं मालूम। और फिर एक दूसरे मौलवी साहब लिखते हैं, आइए भी किताब देख लीजिए, नाम है अल बराहन कातिया, दिखाइए भाई स्क्रीन को बार बार बंद कर दो। अल बराहन कातिया किसकी किताब है? ये बहुत बारीक में अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ठीक, नहीं पढ़ पा रहे तो मैं बता देता हूँ, मौलवी खलील अहमद अम्बेथवी की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई के शागिर्द हैं। जरा रिश्ते नाते समझ लो वरना कल क्या होगा पता है। इस फिरके की आदत है कि वक्त आने पर अपने बाप का इनकार कर देते हैं, साफ कह देते ही हमारे अब्बा जी नहीं है, बड़ा अजीब फिरका है।
तो मैं रिश्ता बता दूं, मौलवी रशीद अहमद गंगोही जिनके हुक्म से किताब लिखी गई, तबलीगी जमात के जो बानी थे ना मौलवी रियाज कांधेलवी साहब, उनके पीर साहब हैं। तबलीगी जमात के बानी मौलवी रियाज कांधेलवी के कौन है? पीर साहब है। अब इस किताब में जरा देखिए क्या लिखा है, सफर नंबर 121 पर लिखा गया है, खुद फकरे आलम अली सलाम फरमाते, खुद फकरे आलम यानी फकरे आलम कौन बोलिए भाई? अरे यार आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी तकरीर? हाँ तो बोलिए, फिर बोलते क्यों नहीं हो? फकरे आलम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मौलवी जी लिख रहे हैं कि खुद रसूलुल्लाह कहते हैं, हुजूर खुद फरमाते, वल्लाहि ला अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और लिखा उन्होंने अल हदीस, ताकि हदीस में फिर आगे लिखते हैं इबारत बड़ी, कहते हैं कि शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं मुझको दीवार के पीछे कभी नहीं, कहते शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम है जिन पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है, देवबंदी भी उनको अपना बुजुर्ग मानते हैं, बरेलवी सुन्नी भी अपना बुजुर्ग मानते हैं, उनको गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस भी अपना बुजुर्ग मानते हैं, सारे लोग इनका एहतराम और इज्जत करते हैं। वजह यह है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जो आज से 550 साल पहले की बुजुर्ग शख्सियत गुजरे, दिल्ली में मदार है, ये हिंदुस्तान की पहली शख्सियत है, पहले मुहद्दिस है जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को लाया। इस वजह से जितने हदीस के पढ़ने वाले सबका सिलसिले हदीस इन पर जाके खत्म हो जाता है, यानी सबके उस्तादों के उस्ताद है, उनकी तरफ निस्बत कर दी और कहा कि साहब देखिए शेख अब्दुल हक मौदी से दैलवी जिन पर सबका इत्तेफाक है वो खुद रिवायत करते, उन्होंने खुद रसूलुल्लाह से रिवायत बयान की, और रिवायत क्या की कि हुजूर ने ये भी फरमाया है कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म। आप पढ़ने वाला अगर ये किताब पढ़े और ये मिल रही है मार्केट में ढलने से बिकती है तो सोचेगा कि यार देखो बरेलियों का अकीदा बिल्कुल गलत है, मौलाना अहमद रज़ा ने खामोखा इल्म गैब के इनकार करने पर कुफर के फतवे लगा दिए, वाकई ये बड़े शिद्दत पसंद मौलवी थे, जिन जिन लोगों ने इल्म गैब का इनकार किया उनको उन्होंने काफिर कह दिया, देखो यहाँ तो बड़े बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं वल्लाहि ला अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, मैं नहीं जानता फिर वल्लाहि अल्लाह की कसम, कसम के साथ है यानी हुजूर कह रहे अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं। लिखने वाले शेख अब्दुल हक मौलवी से दहलवी, बोलेंगे भाई ये तो आला हजरत से भी पहले के बुजुर्ग है वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? असल में झूठ उन्होंने नहीं कहा, झूठ ये मुल्ला जी ने कह दिया। अरे बस चल रहा ठीक चल रही है, वो जो जा रहे हैं वो वहाबी लोग होते हैं जो उठ के भागते हैं ना, उनको बेचारों को क्या है, वो बहुत सारे जो उठ के जाते हैं मुझे मालूम है ऐसे जलसों में अक्सर कौन उठ के भागते हैं, जो सुन्नी होता है वो बड़े गौर से सुनता है, जो बदअकीदा ये जो पिलपिले होते हैं ना पिलपिले आम आधे इधर ब्रिटानिया 50-50, वो कहते मौलाना खामोखा गीबत कर रहे यार, बस गीबत बता रहे यार, नमाज पे नहीं बोल रहे, उनको नमाज की बड़ी फिक्र रहती है बेचारे, उनको यही नहीं पता कि अकीदा खराब हो तो नमाज भी कबूल नहीं होती, यही समझ में नहीं आया उनके आज तक, तो उनका टेंशन मत लीजिए आप। बहरहाल कहाँ थे हम, शेख अब्दुल हक मौदी दहलवी का नाम लिया। अब अंदाजा लगाइए कि जब देवबंद के ऐसे बड़े बड़े अकाबरीन झूठ बोलेंगे तो आज का देवबंदी कितना झूठ बोलेगा, झूठ बोलते हैं। जबकि शेख अब्दुल हक क्या लिखते हैं जरा ये उन्हीं की जबानी सुन लीजिए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने किताब लिखी, उन्हीं की किताब है, उसका नाम है मदारिज-उन-नुबुव्वत। क्या नाम है किताब का? मदारिज-उन-नुबुव्वत, जिल्द नंबर इसकी 1 और सफा नंबर है इसका 7। फारसी जबान में है ये, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी खुद क्या कहते हैं उस रिवायत के बारे में, कहते हैं इजा इश्काल भी अरिन के दरबाजी रिवायत आमदा अस के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन बंदा अम नमी दानम आचे दरपस्त ई दीवार अस
جواب است آنس کی ای سبحان اصلی ندارت سبحان اللہ بشک شاہ عبداللہ خود کیا کہتے ہیں آئیے میں نے فارسی کی پوری عبارت پڑھ دی اب ترجمہ سنیں ایجا اشکال بھی آرند کہتے ہیں کہ یہاں پر اس موقع پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں لوگ اور اس پہ ایک اشکال لاتے ہیں ایک شبہ پیش کرتے ہیں ایک بدگمانی کی بات پیش کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ دربازی روایات آمدہ از بہت ساری روایتوں میں بعض روایتوں میں یہ آیا کہ گفت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آقا کہتے ہیں من بندہم میں اللہ کا ایک بندہ ہوں نمی دانم آچے در پست ای دیوار میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے دیوار اگر سامنے آ جائے میرے تو دیوار کے اس طرف کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم میری نگاہ دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی جواب است آنس کہتے اس بارے میں ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ای سکن اصلی ندارہ اس روایت کی کوئی اصل ہے ہی نہیں یہ جھوٹی من گھڑت روایت ہے شیخ عبدالحق کہہ رہے ہیں روایت جھوٹی ہے اور دیوبند کا بڑا مولوی کیا کہہ رہا ہے وہ عبدالحق مودی سے دہلوی کے ہی کھاتے میں ڈال دے رہا ہے میں آج تقریر میں اعلان کر رہا ہوں کہ شراب پینا حرام ہے کل دیوبندی کا مولوی بولتا ہے فاروق نے جلسے میں کہا شراب پینا حلال ایسی بات ہو گئی نا اور پھر یہ شیخ عبدالحق نے نہیں کہا بلکہ آئیے کتنے لوگوں نے کہا میں کچھ اور حوالے دیتا ہوں حضرت امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کا انتقال 902 ہجری میں ہوا اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اعلیٰ حضرت کے ابا جان کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی اعلیٰ حضرت کے دادا جان کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی 209 ہجری میں انتقال ہو رہا ہے امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ صفحہ 413 اس پر وہ نقل کرتے ہیں ما عالم ما خلف جداری حاذا قال شیخنا ابن الحجر الاسقلانی لا اصل له کہتے ہیں کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے کہا میں نہیں جانتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ امام ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں جھوٹی روایت امام احمد بن قسطلانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں یہ سارے ان محدثوں کے میں نام اور حوالے پیش کر رہا ہوں جن کی کتابیں دیوبند کے مدرسوں میں بھی موجود ہیں دیوبندی بھی ان کو اپنا امام بزرگ پیشوا مانتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کے امام ہیں نہ جب بریلی اور دیوبندیوں کا کوئی جھگڑا پیدا ہوا تھا نہ دیوبندی پیدا ہوئے تھے نہ بریلی کو بریلی کہا جاتا تھا سب سنی صحیح العقیدہ تھے یہ اس دور کے امام ہیں امام احمد بن قسطلانی جن کا انتقال 923 ہجری میں ہوا اپنی کتاب المواہب اللدنیا جلد 2 صفحہ 228 پر کہتے ہیں لا اصل لہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 973 ہجری میں ہوا اپنی کتاب افضل القرآن میں فرماتے لم یعرف سند اس روایت کی کوئی سند پہچانی نہیں گئی یعنی کوئی بھی سند اس روایت کی صحیح ہے ہی نہیں سب من گھڑت روایت ہے اب دیکھیے حوالے تو میں بہت سارے پیش کر سکتا ہوں لیکن بہرحال یہاں وہ مجاز نہیں ہے کہ اتنے زیادہ حوالے کی ضرورت پڑے عقل مند اور سمجھدار کے لیے حق پسند کے لیے اتنا کافی کہ بڑے بڑے امام اس روایت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں بولیے جھوٹی روایت من گھڑت روایت سر ہے نہ پیر ہے اس روایت کا لیکن سارے دیوبندی وہابی مولوی اس روایت کو دل سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالعہ اتنا قلیل اور اس پر اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اماموں کی جرا اس حدیث پر نہیں دیکھی انہوں نے کہ انہوں نے کیا اس حدیث پر تنقید کی اور اس کو بے اصل قرار دیا یہ سب کے باوجود آج کا وہابی پھر بھی کیا بولتا ہے اس کے لیے آپ دیکھیں یہ مولوی معراج ربانی آپ کے یو پی کا ہے یہ معراج ربانی مولوی اس کا نام کہاں کا ہے یہ یو پی کا ہی ہے آپ کے فیض آباد کے قریب رہنے والا لیکن آج کل یہ فیض آباد اور یو پی میں وراجمان نہیں ہے کیوں سعودیہ نے ریالوں میں ان کا سودا کیا انہوں نے ریالوں کی خیرات صدقات زکات میں اپنے ایمان کا سودا کیا ہے اور یہ آج کل سعودیہ میں وراجمان ہے 10x10 کے دڑبے میں بھوکتے ہیں اس لیے اب بھوکتا اس لیے بولتا کہ اس بے غیرت کو ہندوستان آتا ہے بیچ بیچ میں مگر ایسے چھپ کے آتا ہے چھپ کے بھاگتا ہے
तो हमने इस बेगैरत को हजारों बार मुनाजरे के चैलेंज किए, कहा कि भाई तू अपने आप को हक पे समझता है तो वो दस बाय दस के दड़बे में क्या भोगता है, मर्द की औलाद है तो मुनाजरा कर हमारे, जब तू हिंदुस्तान आए जहाँ आए हमें बुला हम वहाँ लेकिन इस जमात की खासियत बताओ, आप गुलिया देख रहे हैं क्या है सर के ऊपर? अब मैं ये बोलने लगा हूँ आजकल, भाई सर पे क्या है बताओ तो यार, आप लोग क्या है? रुमाल है तो लोग समझते हैं कि अरब की पहचान है, जी नहीं, अरब की पहचान तो इमामा हुआ करती थी, आका तो इमामा पहनते थे, सहाबा ने इमामे पहने, ये जो दुपट्टे डाल रखे ना इन नजदी मौलियों ने वो खुद बताते हैं, कौन समझ नहीं पाती है, मैं कहता हूँ कौन समझ लो ये दुपट्टे डाल के बता क्या रहे, सुन्नी इनको मुनाजरे के चैलेंज करते और ये दुपट्टे ओढ़ के बोलते अरे भाई हम गैर महरम औरतें हैं, बरेली मर्द उनके सामने नहीं आते। अरे तुम ताज वाले इमामे वाले, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर है, इमामे ताज पहनने वाले, हमने दुपट्टे रखे, हम तो बोल रहे हैं ना कि हम गैर महरम औरतें बरेली मर्दों के सामने नहीं आया करते, हम दड़बों में बोला करते हैं, कैसे बना के भेज देते हैं, जैसे औरतों को पैगाम देना हो तो कैसे हाथ दिखा के अंदर से देती है ना वो पैगाम, ये लोग पैगाम में पहुंचा दे, वैसे ये वहां से ये वीडियो के जरिए पैगाम पहुंचाते, मैदान में नहीं आते। अब मुल्ला जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ। نعوذ باللہ بلکہ یہاں تک کہا کہ اعوذ باللہ میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا لیکن اپنے نادانوں نے اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رائت بلاد اللہ کما کغرت لتن علی حکم اتصالی میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے پیچھے کا بھی پتا نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہے کہ ہے کہ نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ ہے، اس قصیدے کا نام کیا جانتے ہیں آپ؟ قصیدہ غوثیہ، قصیدہ غوثیہ، اور اس کا ایک نام اور ہے قصیدہ خمریہ، خمر کہتے ہیں شراب کو، تو کون سی شراب؟ یہ تن والی شراب نہیں، وہ دارو والوں نہیں، لے دارو دیو دارو بڑے دنوں کے بعد ملی یہ دارو، وہ دارو وہ شراب نہیں، غوث اعظم نے اس کا نام اس لیے رکھا وہ شراب عشق خدا اور عشق رسول کی شراب، اور 29 اشعار غوث پاک نے لکھے، کسی مولوی جی نے نہیں لکھا وہ قصیدہ، خود سرکار غوث اعظم نے لکھے وہ قصیدہ، تو ملا جی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس قصیدے کو پڑھ کر، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس میں غوث اعظم نے اپنا مقام بتایا، کہا بیوقوف دیوبندیوں وہابیوں جاہلوں، جب میں نبی کا شہزادہ ہوں اور نبی کے اتنے بعد 500 ہجری میں آیا ہوں، 500 ہجری میرا جو ہے میرا دور ہے، میں 500 ہجری کے بعد میرا مقام یہ ہے کہ مجھے اللہ نے وہ مقام دیا تو میرے جد میرے نانا کو کیا مقام دیے ہوں گے، تو اس نے کیا کہا انہوں نے، اس میں کہتے غوث اعظم کئی فرماتے ہیں مریدی لا تقف اللہ ربی اتانی رفعتو نلت المنالی، اے میرے مرید کسی سے خوف زدہ مت ہو، ڈر مت، تو دیکھ تو تیرا شوق شیخ کون ہے اور اللہ نے اس کو کیا مقام عطا کیا، بے شک سبحان اللہ۔ اسی قصیدے میں کئی فرماتے ہیں مریدی لا تقف واشن فائنی عظوم القاتل عند القتالی، اے میرے مرید کسی چگل خور سے خوف زدہ مت ہو جا،
اللہ نے مجھے بڑی تیز تلوار دی ہے, بڑی چمکدار تلوار, میں تیرے دشمن کو خوب کاٹنے والا ہوں, خوب قتل کرنے والی تلوار ہے. کئی فرماتے ولو کہ تو سر ریفوکا میں تین لکامہ قدرتی مولا تعالی, اللہ نے مجھے اپنے رازوں سے واقف کیا, راز بتائے, قسم خدا کی اگر میں اپنے رازوں میں سے ایک راز کسی مردے پہ ظاہر کر دوں تو اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے. اب اسی میں ایک شعر یہ تھا غوث اعظم کا, جس سے وہابی کے پیٹ میں درد ہوا, پیٹ پھول گیا, پیٹ والی عورت کی طرح ہو گیا, 9 مہینے کا بچہ جیسا ہو رہا ہو تو برداشت نہیں ہوا, سب نکلا بھڑ 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 بھڑ. ایسے غوث اعظم کہہ سکتے؟ ہمارے ناداؤں نے بدنام کر دیا غوث اعظم کو, وہ بےچارے ایسے کہی نہیں سکتے. ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی, حضور کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں تھی. ارے جب نبی کو خبر نہ ہو تو غوث اعظم ایسا دعویٰ کر سکتے؟ اور دعویٰ کیا تھے شیر بھی مولوی صاحب نے نظر, وہ کیا پڑھتے ہیں؟ رائے تو, اب رائے تو نہیں ہے, نظر تو ہے. وہ شعر کہاں شروع ہوتا ہے؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخر دلتین علی حکم اتصالی. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں اے لوگو, اللہ نے مجھے وہ مقام دیا کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب میرے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کا دیکھنے کا کیا عالم ہوں گا؟ تو بھابھی جی کو پیٹ میں کہا غوث پاک کا ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا بھائی ہمارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں. کر رہے ہو نا کہ میں نہیں جانتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, میں نہیں جانتا اس پیٹ کے پیچھے کیا ہے. اس روایت کو محدثین ضعیف نہیں بول رہے ہیں. ضعیف بولے تو کچھ چلو نکل جائیں گا, ہاں بھائی ضعیف ہے راوی. ارے موضوع من گھڑت, جس کی اصل ہی نہیں, سمجھ رہے بھائی؟ ایک بچہ ہے لیکن لنگڑا لولا ہے, وہ کہہ رہے بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, ایسا وجود ہی نہیں. اور رسول اللہ کی عظمت اور شان کے لیے جو روایت موجود ہے, صحیح حدیث موجود ہے, وہ وہابی جی کو نظر نہیں آئی. اب میں دکھاتا ہوں کہ آقا اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتے ہیں, دیوار پیچھے بھی دیکھتے ہیں. یہ ہے صحیح بخاری. اب صحیح بخاری کے بعد کسی حدیث کی کتاب کی ضرورت ہے؟ بولیے, اس سے بڑی کوئی اور حدیث کی کتاب ہے ہمارے یہاں؟ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری, کتاب الصلاۃ, حدیث نمبر 418, کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1, بخاری کی جلد 1, کتاب الصلاۃ اس کا باب ہے, حدیث نمبر 418. ابو ہریرہ سے روایت ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور غالباً ظہر کی نماز تھی. یہ شارحین نے حدیث میں فی تبصرہ لکھا ہے. حدیث کہاں سے شروع ہوئی وہ آگے میں بتا رہا ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھائی, گرمی کے دن تھے, گرمی کی وجہ سے صحابہ اکرام نماز پڑھنے میں بے چینی محسوس کر رہے ہیں. تو بعض صحابہ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا تھا. ظاہر ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات آتے ہیں, آدمی نماز میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. تو کچھ نماز میں مختلف خیالات میں مبتلا تھے, تو سوچ رہے تھے کہ جلدی حضور نماز ختم کر دے. کچھ لوگ اپنی داڑھیوں سے ہی کھجا رہے تھے, کچھ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کناروں سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب نماز ختم کی تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور رسول اللہ سے روایت کرتے کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حل ترونا قبلتی ہاہنا. آقا نے کہا اے لوگوں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے اور میرے پیٹھ کے پیچھے تم کیا کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم؟ بھائی قبلے کی طرف رخ ہو تو پیچھے کا دکھیں گا آپ کو, میرا رخ کس طرف ہے ابھی؟ آپ کی طرف ہے, تو میرے پیٹھ کے پیچھے کون بیٹھے کیا کر رہے ہو مجھے دکھیں گا؟ اور آپ کا رخ کس کی طرف ہے؟ میری طرف. تو آپ کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے؟ نہیں. کب دکھیں گا؟ جب ہم اپنے چہرے کو اپنے رخ کو پلٹائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے حضور نے رخ تو پلٹایا نہیں نماز میں, چہرہ تو پلٹایا نہیں, حضور تو نماز میں مشغول ہے, مگر پیچھے کیا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. نماز ختم کی اور کہا, حل ترونا قبلتی ہاؤنا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے اور میں تمہارے حالات سے واقف نہیں؟ فواللہ ما یکفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, اللہ کی قسم میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں. مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپا ہوا ہے نہ تمہارا رکوع چھپا ہوا ہے.
देवबंदी यहाँ पर कल बोल सकता है आपको कोई मक्का देवबंदी मिल जाए, कहेंगे नहीं नहीं असल में फारूक रजवी ने पूरी हदीस नहीं बताई आपको, हालांकि मैं एक लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूँ। फवल्लाही बस अल्लाह की कसम, मा यख्फा नहीं छुपा है, अलैया मुझ पर, खुशू तुम्हारा, खुशूकुम तुम्हारा खुशू, वला रुकूकुम तुम्हारा रुकू। देखिए लफ्ज टू लफ्ज एक जुमले का मैंने तर्जुमा पेश कर दिया, मगर कल कोई मक्कार देवबंदी आगे कहेगा असल में फारूक साहब ने बताया नहीं आपको, वो क्या था हुजूर जानते आनते कुछ नहीं थे पीठ के पीछे क्या है, वो मेहराब जो थी ना मस्जिद नबी की वो आईने की बनी हुई थी, तो हुजूर को आईने में सब दिख जाता था, उसी को देख के हुजूर ने जान लिया कि कौन रुकू सही कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। लेकिन अल्लाह के नबी ने एक जुमला ऐसा फरमाया कि ऐसे शुबहात खत्म हो गए, और जो सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुम्हारा रुकू देखता हूँ तुम्हारे सजदों को देखता हूँ, बल्कि क्या फरमाया फा वल्लाही मा यफा अलैया खुशूकुम, मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूँ। खुशू कहते हैं दिल के इरादों को, दिल कहाँ है, दिल में मुतमिनान है या नहीं, दिल क्या सोच रहा है, तो मैं तुम्हारे दिल के हालात से भी वाकिफ हूँ। और एक साहबी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं कि एक के वाकिफ हो, जितने साहबा है सबके दिल के हालात से वाकिफ है। और फिर आगे आकर फरमाते का लोगो सुनो अल्लाह की कसम, जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे ही अपने पीठ के पीछे भी देखता हूँ। आपके बुखारी में तो वाज़े अल्फाज है भाई कि मैं जैसे सामने देखता हूँ वैसे पीठ पीछे देखता हूँ, लेकिन ये सही हदीस को वहाबियों ने छोड़ दिया और उसके बरक्स जो मन घड़ा झूठी मौजू हदीसें वो लाई। अब क्यों कहते हैं कि नबी नहीं देख सकते, उसका सबब भी सुन लीजिए मौलवी महराज रब्बानी साहब क्या कहते हैं। बंद हो गया भाई, किसी ने हिला दिया क्या, क्या हिला, तो पड़े।